नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और दोपहर बाद का टाइम है, ये चाय का टाइम है। और आज यहाँ पे बिछाली खाट गैलरी में, और ये आंटी जी हैं, और ये ताई जी और अंकल जी बैठे थे। और ऐसे अच्छा भी लगता है, जैसे मतलब बैठ के सब बातें करते हैं। तो देखो वाले लारू लगा रखे ऊपर ऊपर। मम्मा देखा नहीं आपने? कितने मेरी भी आगे मोटी सी थी आदत ही नहीं पड़ी कि रखे थे, कभी मेहमान आए होंगे तब तब होंगे। हमारी कहीं की बेल है, लौकी की है, कितनी अच्छी होगी। और ऊपर चढ़ने लगी, देखो ऊपर चढ़ते हुए वहां जाएगी ये ऊपर। हाँ, वो तो ऊपर फिर लौकी जमती जाएगी, फिर आलू खाएगी ना लौकी, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये मम्मी ने इस पे जूता लगाया हुआ, कभी नजर ना लग जाए इसको, अच्छी चल रही ना। और ये खड़ा है इधर बाजरा, और ऊपर की फसल, और ये खाट भी यहीं पे खड़ी रहने लगी। अब उधर जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे गोले नहीं है। वैसे तो ऊपर चढ़ा दी दी थी मैंने ये, फिर नीचे उतरवा दी। और ये गोबर भर दिया पाप जी ने, और अब ऊपर चलते हैं पौधों में पानी डालने के लिए। क्या करा था? ये सूख गया बेचारा, बड़कुल्ले बनाने के लिए ये मम्मी लाई थी, इसमें लगा रखी मिर्च। और बड़कुल्ला बनाया था हमने। और ये है तोरी, ऊपर चढ़ी जाएगी फिर ये नीचे। बता तो रही थी मम्मी किस इस पे आ गई छोटी सी तोरी, फूल आ रही हैं। वैसे मधुमक्खी तेरी ये मम्मी ने लकड़ी डाली हुई है यहाँ पे, तोरी की बेल फैल जाएगी अच्छे से इन पे। और इसमें भी मिर्च है, और इसमें थोड़े थोड़े फूल है। ये फूल है ये एलोवेरा, एलोवेरा बूढ़ा हो गया ये हमारा, ये देखो पीला पीला हो गया। और ये पुदीना अच्छा हो रहा, पुदीना भी पहले सूख गया था। और ये देखो आरू ब्रेकफास्ट का काम होने लग रहा, भिंडी देखो कितने छोटे छोटे पेड़ हैं, भिंडी आने लग रही इन पे पौधे। ये देखो हाथ नहीं लगाना, नहीं ये तो आरू की फेवरेट है क्या भिंडी? हाँ मैं तो खाऊं। और ये है उसका क्या बोलते हैं उसको, बथवे का पेड़, और पेड़ नहीं पौधा भी जा रहे एक ये रही। ये तो भिंडी हो गई इधर तो शायद, और इसमें पानी डालने का मैंने एक जुगाड़ बनाया। और पालक भी हो रहा है एक बार पकौड़ी बनाने का, देखो कितना अच्छा हो रहा है पालक, अच्छा अच्छा हो रहा है बिल्कुल, बड़े बड़े पत्ते। और एक ये पुदीना हमारी छत पे फसल हो रही है। और भाई देखो धनिए पे भी बीज आ गए, बीज आ रहे धनिए पे भी। हारू मैं पौधों ये खोलो, चलो पानी डाल लेंगे पौधों में। और मौसम आज ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल, बादल हो रहा। खोलो इसको,
वो चला दो। और जी बस इधर जैसे मैं डालने लग रही थी फिर आयु आ गया था ऊपर और ये बोलने लगा मम्मा मैं डाल लूँगा। तो जी अच्छा लगता है जब बच्चे खुद से अपना मतलब कोई काम करते हैं कि मैं करूँगा। तो जी ये डाल रहा है और ये इन्होंने दो ये है फूल हैं मतलब पेड़ हैं पौधे हैं फूल के दोनों ने अलग अलग लगाए थे तो दोनों का होता रहता है कि देख तेरे उस पर पौधे पर इतने आए तो मेरे पौधे पर इतने फूल आए। तो जी अब दूध का टाइम हो गया है और मैं डाल रही हूँ घास और हरा तो है नहीं आज तो भूसा ही है तो भूसे की सन्नी करनी पड़ेगी। और ये है जो स्टैंड मैंने अच्छे से सेट किया हुआ था तो ये जो हमारी बछिया है तो इसने उसे मुंह से टच करके तो कर दिया उथल पुथल। तो जी घास डाल दिया इसके इसके तो खोर में थोड़ा ही डाला है और क्योंकि इसकी खोर में पड़ा था पहले ही तो उधर जो गाय हैं उसकी खोर में डाले हैं मैंने दो तसले और फिर लगा दिया है खल चुककर। और अब मैं दूध निकाल लूँगी जैसे सानी करके या मतलब दूध निकालते हैं तो ये शांति से खा लेती हैं इतना चोकर का भी नहीं मानती हैं चाहे इनके खोर भरी रहो पर जब तक सानी नहीं करते इनको शांति नहीं मिलती। सुबह को भी बोलती रहेंगी चाहे घास कितना ही पड़ा रहो। तो जी बस बाय बाय।